आज आंटी जी की आंखों में आंसू हैं, आप देख सकते हैं कि माँ की आत्मा किस तरीके से रो रही है। ये मार पिटाई भी करता है आंटी जी? मार पिटाई भी करता है, पीछे सिर फोड़ के चले गए थे, पीछे मुंह फोड़ के चले गए। दो वाली इस बड़े वाले बेटे की शादी कर दिया, पहले वाली तलाक लेके चले गई, दूसरे वाली ने मुकदमा कर रखा है। ये बेटा जितनी बार छुट्टी आता है उतनी बार ऐसे बिना मतलब के झगड़ा करता है, ऐसे गाड़ गलोच करता है, बुरी से बुरी गंदी से गंदी गाड़ी करता है बेटा, जो कोई आम आदमी सुन नहीं सकता। माँ, एक माँ को भगवान का दर्जा दिया गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक पैदा करने वाली माँ के साथ कितना बुरा व्यवहार यहाँ पे किया जा रहा है। माँ को मारा पीटा जा रहा है, गाली गलोच की जा रही है, क्यों? एक तो बस सरती का अपने आप पे दबार हो जा है, माँ ने भी बकर, बाप ने भी बकर, किस तरह ना बकसता होता भाई, वो एक कमी है उसमें। नमस्कार, आप सभी को, मैं पुष्पा शर्मा और इस वक्त आप मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं सोनीपत के वार्ड नंबर 13 शांति विहार से। दोस्तों, अभी कावड़ लेके आए हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप को कावड़ में बिठा के कावड़े लेके आए हैं। एक तरफ तो वो बेटे हैं जो माँ बाप के लिए कावड़ लेके आते हैं, और एक तरफ ऐसा बेटा भी है। एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें एक कलयुगी बेटा अपने माँ बाप को गाली देता हुआ नज़र आ रहा है, और गाली भी इतनी गंदी कि मत पूछिए। जहाँ एक तरफ लोग अपने माँ बाप को बिठाकर कावड़ लेकर आते हैं, वहाँ एक तरफ एक कलयुगी बेटा किस तरीके से अपने माँ बाप को गाली देता है। और ये कोई आम नागरिक नहीं है, जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, ये कोई आम नागरिक नहीं है, ये CRPF का जवान है। तो जैसे ये वीडियो हमें मिली, तो हम आ पहुँचे शांति विहार में उन अंकल और आंटी के पास, ये जानने के लिए कि क्या मैटर है, क्या मामला, आखिर ऐसा क्यों वो लड़का कर रहा है। तो अब मैं आपसे अपील करूँगी, हमारे साथ बने रहे और वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। तो आप देख सकते हैं कि सामने वो बुजुर्ग महिला लेटी हुई हैं, जिनका बेटा जो CRPF में जवान है, जो अपनी माँ के साथ गाली गलौज करता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, जो आंटी जी हैं हार्ट पेशेंट हैं, आंटी जी की दोनों वाल खराब हैं, इनकी वाल में पानी भर जाता है, और अभी अभी ये हॉस्पिटल से आई हैं, किडनी में इनकी पानी, किडनी ख़राब है आपकी जी, किडनी भी इनकी जो है ख़राब बताई जा रही है। और ऐसी हालत में जो इनका बेटा है, इनके दो बेटे हैं, इनका बड़ा बेटा इनके साथ काफ़ी गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, और ऐसा अब से नहीं कई सालों से चला आ रहा है। तो भी बाकी मामला जानेंगे, आंटी जी से क्या कुछ मामला है, क्या बात है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। आंटी जी क्या नाम है आपका? कमलेश बेटा। कमलेश, आंटी जी एक वीडियो हमने देखी थी जिसमें आपका बेटा आपको बुरी तरीके से गाली दे रहा है, आंटी जी क्या कुछ मामला है ये बेटा? जितनी बार छुट्टी आता है उतनी बार ऐसे बिना मतलब के झगड़ा करता है, ऐसे गाल गलोच करता है, बुरी से बुरी गंदी से गंदी गाली देता है बेटा, जो कोई आम आदमी सुन नहीं सकता, इतनी गाली देता है, इतनी बुरी गाली देता है। ये मार पिटाई भी करता है आंटी जी? मार पिटाई भी करता है, पीछे सिर फोड़ के चले गए थे, पीछे मुँह फोड़ के चले गए। तो आपने कुछ पुलिस कंप्लेंट वगैरह की? करी थी बेटा। फिर क्या कुछ कार्रवाई की गई पुलिस के द्वारा? वे समझा के चले गए थे बेटा। अंकल जी क्या करते हैं? आर्मी से रिटायर है बेटा। आप देख सकते हैं जो अंकल जी हैं वो आर्मी से रिटायर्ड हैं, और आंटी जी जो है हार्ट की पेशेंट है। आंटी जी कितने बच्चे हैं आपके पास? 3 बच्चे हैं बेटा मेरे पास। ये बड़े वाला बेटा है? हाँ, ये नहीं, ये लड़की बड़ी है, लड़की गौना बिहार की है, और ये दूसरे नंबर का है। छोटे वाला बेटा कहाँ रहता है? छोटे वाला बेटा कंपनी में लग रहा है, इस टाइम चेन्नई है। ये शादीशुदा है आपका बेटा? हाँ, ये शादीशुदा है, छोटा कुंवारा है, अभी पढ़ाई खत्म हुई है उसकी। तो कितने बच्चे हैं इसके पास? एक ही लड़की है, बेटी है बेटा। बहू कहाँ है आपकी, वो नजर नहीं आ रही हमें? वो बेटा तलाक लेकर चली गई, तलाक लेगी तो 1 साल 3 महीने की थी ये बच्ची तो। ऐसा क्या हुआ उसके साथ भी, मतलब मार पिटाई गाली गलोच इसी तरह का व्यवहार भी उसके साथ था या? बेटा उसके साथ भगवान जाने, ये साथ भेज रखे थे वहाँ से, यहाँ छोड़ी थी इसने, और ये लड़की
पैदा हुई तब मैंने 10 के 10-9 महीने इसको जाने नहीं दिया था। ये लड़के पिछले हो गए थे, इससे पहले वहीं थे, वहीं से ऑर्शन करवा दिया था उसने। उसके बाद इसके बाद फिर वो अपने घर चली गई। इसके बाद तीसरा बच्चा था वो भी उसने ऑर्शन करवा दिया। ये आपके बेटे की पोस्टिंग कहाँ पे है अभी? ये इस टाइम तो श्रीनगर से आया है, अमेठी जाएगा शायद। कितने महीने की छुट्टी आता है ये हर बार? ये छुट्टी तो बेटा कभी 20 दिन की, कभी 10 दिन की, कभी 15 दिन की, कभी महीने की, ऐसे आता है बेटा। अब ये कितने दिन की छुट्टी पे है अभी? पता नहीं बेटा, ये मेरे को अभी नहीं पता कितने। जितनी बार आता है उतनी बार ये गाली गलौच मार पिटाई आपके साथ करता है? ऐसे करके जाता है बेटा। अंकल जी का क्या कुछ इसमें रिएक्शन रहता है, क्या कहते हैं वो? मतलब बेटा यू ही किसी दिन का होता था, क्या नाज या नौबत आती। अंकल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बैठिए अंकल जी, तो बात करेंगे अंकल जी से भी, क्या कुछ मामला है जानेंगे अभी। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। अंकल जी एक वीडियो वायरल हो रही थी काफ़ी, जिसमें आपका बेटा गाली देता हुआ नज़र आ रहा है। अंकल जी आप एक फौजी रिटायर्ड हैं, आपने देश की रक्षा की है, तो ऐसी क्या वजह है कि आज अपनी वाइफ की रक्षा आप नहीं कर पा रहे हैं, अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे, कहाँ मजबूर हैं, क्या कुछ मामला है बताएं हमें? दो वाली इस बड़े वाले बेटे की शादी कर दिया, पहले वाली तलाक लेके चले गई, दूसरे वाली ने मुकदमा कर रखा है, और एक लड़की है इसकी। हम बोलते हैं अगर लड़के की देखभाल, ये बोलता है भगवान करता है हमारी लड़की की देखभाल, मेरी लड़की के बारे में क्यों बोलते हो और गाली देता है, ये इसी बात पर है। क्या चाहता है ये आपसे? वो भी नहीं बता रहा है, बोलता है मैं बोला भाई तू अलग हो जा, अपने किराए पे रह ले, अपने बच्चे को ले आओ और केस को ख़त्म करो। वो भी नहीं मान रहा। मैंने ये भी बोला कि लड़की को तेरी को मैं रखूँगा और तुम कहीं भी रहो दोनों जने, फिर भी नहीं मान रहा है, गाली दे रहा है। आप बेदखल भी तो कर सकते हैं ना अंकल जी? बेदखल करना ही पड़ेगा ऐसे में, नहीं तो ऐसे जैसे आंटी जी, आंटी ने बताया कि हार्ट पेशेंट है, ऐसे तो आंटी की तबीयत और ख़राब हो जाएगी, कुछ भी उनको हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जी। आपके साथ भी मार पिटाई करता है? हाँ करता है जी। तो अभी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ एक बार इसको समझा दो, रात को आके आपको देखो और फिर इसको समझाओ अच्छी तरीके से, ठीक है ना जी। वो खुद एक अधिकारी है CRPF में, तो मतलब ऐसा कर रहा है, कौन से रैंक पे है? अभी सिपाही में है जी। सिपाही में? हाँ। अच्छा जी, तो हर बार का उसका यही मामला है, आपके जो बेटा बेटी है वो इसको रोकते नहीं, कुछ कहते नहीं वो इसको, किसी को बोलने नहीं देता, बोलता मारूंगा ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कितनी मार पिटाई की आपके साथ? कई बारी कर दिया जी। आप देख सकते हैं कि अंकल जी फौजी रिटायर्ड हैं और इनकी वाइफ जो है हार्ट पेशेंट है। कुछ पड़ोसी भी हमारे यहाँ, इनसे भी पूछेंगे क्या कुछ मामला है और जानेंगे। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटे। मामला क्या है बेटे? पी हुआ है एक तो, बस सर पी का अपने आपे दबार हो जा है, माँ ने भी बकर, बाप ने भी बकर, किसी ने ना बकसता होता, भाई यो एक कमी है उसमें। कितने सालों से अंकल आंटी यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ कई साल हो गया अपने, 4 साल तीन हुए हैं, 3 साल हो गए यहाँ। तो कैसा क्या कुछ व्यवहार है? परेशानी नहीं है, यो पी है, छुट्टी आवे है जब भी घर में कड़े सो है, और कोई परेशानी नहीं है। तो क्या करना चाहिए ऐसे बेटे के खिलाफ? जो जितना कर दो कि इन तो उल्टा सुल्टा ना बोल, इनका मारे कौन है, बस इनसे अलग होके रह सकता है, अलग होकर रह सकता है, अपने लिया अपना घर बसाओ, वो भी सी है, वो भी पीने के कारण बाध्य है। बड़ा ही दिल दुखता होगा जब इस तरह के अत्याचार आप होते हैं। हम भी नहीं सोते के करें। हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? कैसा क्या कुछ व्यवहार इनका रहता है? मैंने तो मेरा घर दूर है, ठीक है अभी आप नहीं है, पिया है ना छुट्टी आवे जब कड़े सो है, और नहीं होता। बस अभी आप देख सकते हैं अंकल, जो मैं पूरा मामला मैं आपको बता दूं, अंकल जो एक फौजी रिटायर्ड है। आप बताओगे बेटे, हम की थोड़ी ना बताओगे सारी बात, हमने तो ये रोड़ा होता है दिखा, हम तो ये बताओगे भाई गाली दुपड़ी गंदी दे है, बस इतना ही सुना हमने तो। घरेलू हिंसा एक कानूनी अपराध है, घरेलू हिंसा एक कानूनी अपराध, अगर कहीं भी अगर आपको ये होती हुई दिख रही है तो आपका अधिकार बनता है, आप पुलिस के पास फोन कर सकते हैं, आप उनका झगड़ा जाके वहाँ पे बंद करवा सकते हैं। एक चीज में यहाँ पर आपको कहना चाहूंगी, पूरी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी, अंकल जी जो एक फौजी रिटायर्ड हैं और इनके 3 बच्चे हैं, बेटी गोहाना में शादी कर रखी है, छोटा बेटा किसी कंपनी में जॉब करता है, बड़ा बेटा जो गाली गलौच इनके साथ करता है वो शादीशुदा है, उसकी वाइफ उसको छोड़ के जा चुकी है, केस उनका चल रहा है, एक इनकी बेटी है
छोटी बेटी से भी मैं बात करवाऊंगी आपकी, लेकिन जो बेटे का व्यवहार है बड़ा ही गलत व्यवहार है। कहते हैं कि माँ, एक माँ को भगवान का दर्जा दिया गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक पैदा करने वाली माँ के साथ कितना बुरा व्यवहार यहाँ पे किया जा रहा है। माँ को मारा पीटा जा रहा है, गाली गलौज की जा रही है। क्यों? क्या इसलिए वो बूढ़े हो गए हैं? क्या इसलिए अब वो कमज़ोर हो गए हैं? क्या इसलिए अब उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे? अरे, जो बंदा हमारे देश की रक्षा करता है, आज वो अपनी रक्षा करने में मजबूर है। आज आंटी जी की आंखों में आंसू हैं, आप देख सकते हैं कि माँ की आत्मा किस तरीके से रो रही है। लोग घरों में नवरात्रि के व्रत रखते हैं, ठीक है, वृद्धा आश्रम में दान करते हैं, मरने के बाद भंडारे लगवाते हैं। अरे, जब जीते जी एक माँ इस तरीके से परेशान है, इस तरीके से आंसू लगातार जो है माँ की आँखों से बह रहे हैं, आप देख सकते हैं कि पूरी जिंदगी यहाँ पर माँ बाप ने अपने बच्चों पे लगा दी, पूरी जिंदगी उनको पढ़ाया। मैं ये वीडियो देख के मेरा दिल इतना घबरा रहा है, मुझे खुद रोना आ रहा है। क्या हम इसीलिए बच्चों को पालते हैं?